अखलाक की तीन किस्में हैं। अब मैं सवाल करूंगा, आप जवाब देंगे ताकि मुझे इत्मीनान हो कि आप समझ रहे हैं। अखलाक की कितनी किस्में हैं? तीन, माशाल्लाह। एक है खुल्के हसन, एक है खुल्के करीम और एक है खुल्के अजीम। ठीक है ना? खुल्के हसन, खुल्के करीम और खुल्के अजीम। खुल्के हसन किसे कहते हैं? आप अगर किसी से अच्छे अखलाक से पेश आना चाहते हैं ना, तो खुल्के हसन किसे कहते हैं? अच्छा अखलाक किसे कहते हैं? अच्छा अखलाक उसे कहते हैं कि आपके साथ कोई बुराई करे, आप उसे माफ कर दो। क्या करो? बोलो, ये अच्छे अखलाक। इसलिए कि बदला देने, बदला लेने वाले से कोई मोहब्बत नहीं करता, माफ करने वाले से मोहब्बत करता है। खुल्के हसन, ये अच्छे अखलाक। इससे आला पोजीशन है खुल्के करीम की। यानी आपके साथ अगर कोई बुराई करे तो आप उसके साथ बुराई नहीं करते, उसे माफ कर देते हैं। ये अच्छे अखलाक हैं। अब खुल्के करीम किसे कहते हैं? आपके साथ कोई बुराई करे फिर भी आप उसके साथ अच्छाई करो, ये है खुल्के करीम। ये थोड़ा सा ऊंचा दर्जा हो गया। है जिगर काम का? है जिगर आपके अंदर कि कोई आपसे बुराई करे आप उससे अच्छाई करें? कोई नहीं, सब बहुत मुश्किल है। अरे छोड़ेंगे नहीं, इसकी छठी पुश्त तक इसको याद दिलाएंगे। खुल्के करीम ये है कि कोई तुमसे बुराई करे तुम उससे अच्छाई करो, ये खुल्के करीम। ये औलिया अल्लाह की शान है, ये बुजुर्गों की शान है। और कुछ अल्लाह के बंदे नेक होते हैं जिनकी ये शान है। लेकिन खुल्के अजीम क्या है? जिस पर सिर्फ हुजूर फाइज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस मकाम पर कोई जल्दी से फाइज नहीं हो सकता। खुल्के अजीम उसे कहते हैं जो तुमसे जितनी बुराई करे उससे ज्यादा तुम उसके साथ नेकी करो, ये है खुल्के अजीम। और ये मेरे आका की शान है, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस बात को जहन में रखो कि हमेशा के लिए जहन में रखो कि अच्छे अखलाक से सबसे बड़ी दौलत जो मिलती है ना, वो सुकून की दौलत मिलती है। टेंशन नहीं रहता भाई, किसी ने आपको सताया और आपने रिवेंज का माइंड बना लिया, यार इसको मैं अब छठी का दूध याद दिलाऊंगा, तो आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो नींद नहीं आ रही है आपको। आपने कहा छोड़ो यार, अल्लाह उसे माफ कर दे, बेवकूफ आदमी है, सुकून से करवट लिए सो गए, कुछ प्लान ही नहीं आपके पास। अच्छे अखलाक आपको स्ट्रेस से बाहर निकालेंगे, अच्छे अखलाक आपको डिप्रेशन से बाहर निकालेंगे। आज अगर अमेरिका की आर्मी सुसाइड कर रही है, नेटो की फौज मर रही है और खुदकुशी कर रही है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके पास कैरेक्टर नहीं है, अखलाक नहीं है, और वो डिप्रेशन के अंदर चले गए। बल्कि आज ही का न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा, इसराइल की एक बच्ची ने इसराइल की फौज में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसराइल के हवाले से थोड़ा सा बता दूं, वहां का मामला यह है, हर पैदा होने वाले बच्चे को और बच्ची को स्कूल के साथ साथ आर्मी की ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है। लेकिन इसराइल की एक बच्ची ने आज कह दिया कि मैं फौज की ट्रेनिंग नहीं लूंगी, नहीं जाऊंगी। पूछा गया रीजन क्या, तो रीजन उसने बताया कि तुम बेगुनाह फिलिस्तीनियों को मारते हो और मैं इस जुर्म के अंदर शामिल होना नहीं चाहती। ये आज की न्यूज़ है, ये आज की न्यूज़ है। तो अर्ज करने का मंशा ये है, फैमिली लाइफ के अंदर भी, मुआशरती जिंदगी के अंदर भी अच्छे अखलाक से आपको सुकून मिलेगा, अच्छे अखलाक से आपके कल्ब को राहत मिलेगी। और ये हदीस हमेशा के लिए जहन में रख लो, आप अपने बच्चों को बंगला दो, गाड़ी दो और लेविश लाइफ दो, सब कुछ भले दो, लेकिन खास तौर पर इस बात को जहन में रखो,
کہ اگر آپ نے اسے اچھے اخلاق نہیں دیے تو آپ سے بڑا اس کا کوئی دوسرا دشمن ہے ہی نہیں, اور آپ نے لیوش لائف اسے نہیں دی اور اسے اچھے اخلاق اگر آپ نے سکھا دیے تو آپ نے اس کی دنیا بھی سنوار دی اور اس کی آخرت بھی سنوار دی.